इयर रिंग्स देखो कैसी चमक रही है ना। आया तक कहाँ जा रही हो? हाउस स्कूल जा रहे हैं। उठा लिए अपना बैग? मुस्तफा आपका बैग कहाँ है? ले जाना गाड़ी में। मुस्तफा पे न्यू शर्ट तो बहुत प्यारी लग रही है। मुस्तफा फुटबॉल जब से जाना शुरू हुए ना वीक होते जा रहे हो। वीक हुए हो पहले वो देखो नोबिता को। दोनों की पिक्चर लूं एक साथ खड़े हो। अच्छा इसको बैग पहना दो तैयबा। नहीं तो देखो बैग कैसे पकड़ा हुआ, ऐसे पिक्चर लूंगी। जल्दी पहनो। आज इनका पहला दिन है ट्यूशन का। न्यू सिटी में हमने पहला ट्यूशन आज इनका ढूंढा है। सामने सीधा तो देखो बन गई। आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। बोतल लेकर आ रहे। बस पानी की बोतल ले रही। एक मिनट रुको आपके जूते निकाल लो। मुझे ब्लैक चाहिए। ब्लैक कौन से? ये वाले वाले ब्लैक। ओके बैठो। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी मुझे करना है मेकअप, इसलिए मैंने बाल वाल थोड़ा सा स्ट्रेट किए। और ये देखो ये रही ड्रेस, प्रमोशन के लिए आई थी जब मैं कराची में थी, और तब से अभी तक मेरे पास है। मैंने टाइम हो गया इनकी पिक्चर खींचनी है और इंस्टाग्राम पर लगाना है। और देखो इतना टाइम हो गया, ये कराची में मुझे भेजा था ड्रेस, और उसके बाद फिर हम शिफ्टिंग में लग गए। यहाँ पर आए, सामान ऊपर नीचे सब कुछ कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा था। टाइम निकाल के मेकअप करके इसके साथ अच्छी सी पिक्चर लगाऊँ इंस्टाग्राम पर, और बाकी रील भी बनाऊंगी, वो सब आप उधर ही देखना। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। बच्चों का आज पहला दिन है ट्यूशन का, और आज एक ट्रायल के लिए गए। मैं बात करने के लिए दोबारा जाऊंगी। वैसे हमारी फोन पे मैसेज पे बात हो चुकी है, और जो ट्यूशन टीचर है वो हमने स्कूल की ही रखी है। जो स्कूल की टीचर है वही इनकी सेम ट्यूशन की भी टीचर है। इतने टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि उसी स्कूल की ही मिल जाए। जैसे ओ लेवल की पढ़ाई है तो इन्होंने पहले करी नहीं है, पहले तो ये दूसरे DHA में थे। तीनों गए हैं तो मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। बस यही टाइम है, आ जाएंगे तो फिर ये सब नहीं करने देते। बच्चों के आने से पहले जल्दी जल्दी ये सारा काम खत्म करना। सूट को पहनते हैं, पेज में साथ में मेंशन कर दूंगी। इनके पास इनके पेज पे जरूर विजिट कीजिएगा। स्क्रीन पे लगा रही हूँ इनका जो पेज है। ये देखो ये मेरा मेकअप हो गया। अभी तो बहुत टाइम हो गया, तस्वीरें बनाई, रील बनाई, बहुत टाइम लगता है। व्लॉग बहुत बनाना इजी है, मुझे ऐसा लगता है। पिक्चर रील बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। खैर वो जिनका काम है रील बनाना, तस्वीरें बनाना, उनके लिए उनको वो इजी लगता होगा। मेरे लिए व्लॉग मुझे इजी लगता है। और इंस्टाग्राम पे जाकर देखना कैसी बनी है। बस जैसी बनी हूँ बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ सूट चेंज कर लूँ। मोबाइल ना हमेशा मैं ट्राईपॉड पे लगाती हूँ, वो नहीं है तो मोबाइल के वजन से ये नीचे जा रहा था। तैयबा का आयत का बैग उठा, इसमें कुछ चीजें डाली, वजनी हो गया तो इसको ऐसे खींचा, फिर जाकर बनी इस पे। बस एक दूसरी लाइट थी, रिंग लाइट थी, क्योंकि इस रूम में ना लाइट थोड़ा कम है। ये जो लगी हुई है ना, मतलब प्यारी तो लग रही है लेकिन लाइटिंग मेकअप के हिसाब से कम है। तो साथ में फिर लैंप ऑन करके रखा। सारा सामान मेरा कैसा हुआ हुआ, बिखरा हुआ सब कुछ, ये रील के चक्कर में होते हैं। रील नहीं बनाओ ना, साफ सुथरे घर के व्लॉग बनाओ। इस ये ट्राईपोर्ट मुश्किल से जाकर मिला है, तो इसके ऊपर वो नहीं मिल रहा जहाँ पे ये ना लगाते हैं मोबाइल। पता नहीं वो कहाँ पर होगा, सामान में सारी चीजें ऊपर नीचे होगी। यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की, देखो यहाँ पे लाइट ऑन की, और यहाँ पे बैठी हूँ। और यहाँ से ये प्लांट उठा के यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे थोड़ा पिक्चर अच्छी आए, लेकिन फिर ना बनाते बनाते ना अंधेरा भी हो गया। और बाकी बताना मेकअप मैंने कैसे किया इसके साथ। देखो काजल थोड़ा आईज में डाला है, और बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं नीचे चलती हूँ, बच्चे आए हैं उस टाइम के, और मैं अंदर के अंदर हूँ। ओ बेटा जी, तैयार क्यों हुई? हाँ। शादी में जाना है, चलोगी? ऐसे दिल कर रहा था कि आज मेकअप करूँ। अच्छे लग रहे हैं मम्मा? अच्छी लग रही। अभी के जैसे कि वेडिंग सीजन आ रहा है, तो आपने इनके पेज पे जरूर जाना। यहाँ पर सारे आपको शादियों वाले इतने प्यारे प्यारे कलर कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे आपको ड्रेस यहाँ पर मिलेंगी, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी मिलेंगी। तो आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पे इनका ये पेज विजिट भी करो, और ड्रेस भी मंगवाओ। जैसे कि ये देखो इनका कलर कितना प्यारा है, चुन्नी का दुपट्टा इतना ज्यादा हसीन, इतना ज्यादा खूबसूरत है। इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इस पर ये देखो ये एम्ब्रॉयडरी का जो काम हुआ हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बस दिखा लिया पूरा। फातिमा बताएगी कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा लग रहा है ना। चलो मम्मी को दिखाती हूँ।
आवाज आ रही है, अम्मी कल वाला ब्लॉग देख रही हैं। कपड़े पहने कपड़ों का प्यारे लग रहे हैं आपको। अच्छा है मी सूट? हाँ बहुत प्यारा सूट है, सूट बहुत प्यारा लग रहा है। अम्मी को जो है ना वैसे ये जो लंबी कमीजें होती है ना अम्मी को बहुत पसंद है, काम भी बहुत प्यारा हुआ है। चलो अभी पानी पीती हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया और मैं चाय भी पीऊंगी। बहुत प्यारी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है। आज अम्मी को मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, बस आज अम्मी तारीफ करेगी, ये वाले कपड़े बहुत अच्छे है। अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं बाहर तक। बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। बस बहुत अच्छी लग रही हूँ। आज ना आज मुझे कहीं घुमाने के लिए ले चलो, आज मैं तैयार हुई हूँ ना इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चले। मेरे नाल चल चल लॉन्ग ड्राइव पे चल। पड़ेगा कल सैटरडे संडे दो दिन ऑफ है तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। दिख रहा है कहीं पे यहाँ से? वो रहा वो सामने, वो ये रहा, ये घूम रहा शायद, वेट कर रहा है हमारा, है ना? इसका टाइम पूरा हो गया है। देखो यहाँ पे कैसी रौनक लगी हुई है ना, बच्चे अभी जो है ना सब निकलना शुरू हो गया। देखो गाड़ियाँ आई हुई हैं, हर कोई लेने के लिए आया अपने बच्चों को। यहाँ के कोच ना बहुत जबरदस्त हैं और यहाँ के कोच मैनेजमेंट भी बहुत काफी अच्छी है, बच्चों को ऐसे नहीं निकलने देते, भी बाहर के हैं। यहाँ के पाकिस्तान के नहीं, अफ्रीका के, इंग्लिश में डील किया था। कैसे? बस वहाँ से नहीं थे आपकी इंग्लिश में? नहीं, कुछ ना कुछ तो बोल ही लेते हैं ना, उनको समझ आ गया होगा। शहजादा मेरा, बैठो बैठो बैठो, कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपने वो शूट देखी थी जो मैंने मारी थी और आगे बॉल पे लगी थी? हाँ, देखी थी मैंने, देखा है। देखा है दूर से, गाड़ी पीछे रोक के ना, पहले हम दूर से देख रहे थे। सब्सक्राइबर हमें रास्ते में मिल गए, जितना मैंने रोका है, जितना मना किया है, पता नहीं क्या चीजें हैं, वापस करने की कोशिश की है। कितना घर पे देखो ऐसी चीजें बहुत लगी हुई है, सब आ कर देते हैं, शायद बच्चों की कुछ चीजें, पोनी हेयर बैंड ऐसा कुछ है, घर पे चलकर देखेंगे। ऐसा लग रहा है, हाँ नीचे सुइट है। चलो घर आ गया, ठीक है, बहनों का ख्याल रखना। आप लोग सच्ची में जा रहे हो? हाँ जा रहे हो, अम्मी को बता देना मैं कुछ देर तक आ जाऊंगी। जाओ जाके अम्मा को दे देना, रख लेंगी। मैं कह रही हूँ कि ना आप मुझे कुछ खिला ही दो, हम क्या घूमते रहेंगे इतना लंबा, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। मुझे पहले ही पता था। पता चल गया आपको? लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव बस फोर्थ स्ट्रीट तक ही होगा। मैंने कहा ऐसे रोड पर घूमने से बेहतर है भाई कुछ खा ही लेते हैं। ये इतनी बड़ी फूड स्ट्रीट है तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं लॉन्ग ड्राइव कर करके। देखो पिज्जा मैक्स भी है यहाँ पर, तो ओपीटीपी पे जाएंगे, पिज्जा नहीं खाना, फ्राइज खाऊंगी यहाँ से। लॉन्ग ड्राइव के फ्राइज, लॉन्ग ड्राइव वाले फ्राइज आ गए। यहाँ की फूड स्ट्रीट को बहुत प्यारा बनाया गया है, और भी आगे ना कमर्शियल एरिया बन रहा है। ये हमारे सिटी का फूड स्ट्रीट है जो कि बहुत प्यारा मुझे लगता है, यहाँ का साफ सुथरा और एक अलग ही लुक दिया है ना यहाँ का। इतना लंबा इंतजार करने के बाद हमारा ओपीटीपी आ गया। वैसे कराची में मैं ये ज्यादा खाती थी, यहाँ पे जब से हम आए ना एक महीना होने वाला है तो ये आज मैंने ना दूसरी बार ली है। वो फ्राइज नहीं लिए जो आपको आपके फेवरेट हैं दूसरे वाले? नहीं, वो ज्यादा हैवी हो जाता है ना फिर। ये थोड़ा लाइट है उससे। मेरी इयररिंग्स देखो कैसी चमक रही है ना, शाइनिंग। ये मैंने अच्छी वाली ली थी इस वजह से चमक रही है। ये मैंने खाड़ी से ली थी, मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का, बच्चों के साथ नहीं आए आज हम, ना आयत को भी इधर से। ये तो मेरी इयररिंग्स आयत साथ होती तो ना ये इयररिंग्स भी निकाल देती, और बच्चों के लिए फिर हमने पिज्जा ले लिया। वैसे घर पे खाना तो बना हुआ था, चलो अच्छा नहीं लगता कि हमने खा लिया तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर जाए। अरे मेरा बच्चा, ओए मेरी रानी आ गई, रानी मेरी रानी आ गई। हाँ साथ लेकर नहीं जा रही आपको मैं, आप कहाँ थी फिर? पिज्जा लाई हूँ, आया था आपके लिए पिज्जा, बाहर ही गए थे, बस अभी आ गए वापस। हाँ चलेंगे, तैयबा को पिज्जा दे दो, आयत नहीं आ रही। खाना खाए? खा लिया खाना? हाँ वाह, आयत ने खाना खाया था? अम्मी आयत ने खाना खाया, खिलाया इसको? अच्छा एक एक स्लाइस तो ले लो तैयबा। जो वहाँ पे बनाते हैं ना वो और होते हैं। हाँ मुस्तफा को चाचू पहले एकेडमी से लेने गए, फिर रास्ता भूल गए। हाँ फिर रास्ता भूल गए थे, फिर आगे चले गए।
ऐसे गाड़ी घुमाते घुमाते फिर पिज्जा दिख गया। नहीं अभी तक नहीं, मैंने बोला देखो आप परेशान हो गई। मैंने कहा ऊपर है, फिर मैं इसको ऊपर भेजा, वो कहती थी ऊपर नहीं है। तो घर पर आते ही सबसे पहले मैंने करे अपने कपड़े चेंज, अब इतना हल्का फील हो रहा है, मेकअप रिमूव किया है और आईलाइनर बोल रही हूँ, काजल लगाया था ना आंखों में, अभी भी लगा हुआ है वो, बाकी मेकअप सारा रिमूव कर दिया। अभी सब कुछ इसको हटाना है, सबको रखना है और अभी हम जाएंगे वॉक पे। वॉक पे आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वहां पे बैठ के थोड़ी देर एक अम्मी के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। ये होता है कि वॉक कर लेते हैं, बच्चे कुछ देर खेलते रहते हैं और मुझे टाइम मिल जाता है अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का। इतना तो शायद हम घर में बैठकर भी बातें नहीं करते जितना मैं अम्मी के साथ पार्क में बैठ के बातें करती हूँ। ढेर सारे वॉक करके वापस आए और सच में ना मुझे एकदम के लिए ऐसे नींद आ गई थी। वॉक करके जैसे वापस आओ ना, बहुत ज्यादा थकावट होती है, नींद आती है। सुबह मेरे ससुर ने आना है और आज का दिन थोड़ा सा अजीब गुजरा, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना हमारी वीडियो पिक्चर में गई है, तो उसके बाद ना दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। इतना से आज हमारा व्लॉग है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है उससे रिलेटेड आपके ढेर सारे कमेंट आते हैं और मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ कि मुझे उसका नाम नहीं लेना, मुझे उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, वो पंजाब में रहती है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो इसी तरह से सबकी सोच अलग अलग है, हम सबकी सोच के मुताबिक वैसा काम नहीं कर सकते, वैसे बन के नहीं दिखा सकते कि नहीं अच्छा आज एक ने पूछा इसको जवाब दिया, आज दूसरे ने पूछा उसको जवाब दिया। लोगों की आदत है बोलने की, जो लोग बोल के चले जाते हैं बोलने तो कोई बात नहीं, अपनी ही आखिरत खराब कर रहे हैं जिनको गंदा बोलना है। जो मुझे पसंद करते हैं, जिनको ब्लॉग पसंद है, जिनको वीडियोस पसंद है, वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं वो पसंद करते हैं, वो देखते हैं। जो नहीं पसंद करते वो किसी हाल में राजी नहीं होंगे, वो डेली नए नए सवाल करेंगे। तो हमें कंफ्यूज होकर उन सबको जवाब नहीं देना कि आज इसने ये पूछा। शुरू में ये करती थी, नया नया था चैनल, पता नहीं चलता था। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मुझे उसके टॉपिक पे बात नहीं करनी, सेकंड वाइफ के टॉपिक जो है। शुरू में कहते थे क्यों आप बार बार उसका नाम लेती हैं, जब मैंने उसका नाम लेना छोड़ा है तो आप कहती अब वो कहाँ है, उसको क्या डिवोर्स दे दी, वो कहाँ चली गई, अब वो गायब हो गई, उसको तो उसका पत्ता कट गया, वो यहाँ ये हो गया वो हो गया, तो सो बातें होती हैं। तो देखो दुनिया ऐसी है, दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है। जब उसको दिखाते थे तो कहते थे क्यों दिखाती हो, जब नहीं दिखाते तो अब वो कहाँ छुपा दिए, उसको कहाँ गायब कर दिए। तो ये सब चलता रहेगा, इनका तो डेली का काम है, सोते हैं उठते हैं और फिर सवाल शुरू कर देते हैं। वहाँ तक हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूँ, हम दो वाइफ हैं और जब शादी फंक्शन कहीं पर ऐसा कुछ हो, जैसे अभी फातिमा की शादी पर जाऊँगी, वो मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। हस्बैंड हर आए एक दो महीने में उसको मिलने के लिए जाते हैं और जाहिर सी बात है वहाँ पर अभी बच्चे नहीं हैं, जब बच्चे वहाँ पर हो जाएंगे तो सेम मेरे हस्बैंड वहाँ पे भी ऐसे बिजी होंगे जैसे अभी यहाँ पर हैं। मैं ही ना कहीं अब मेरे हस्बैंड भी समझ उनको आ गई है, जैसे स्टार्टिंग में नया साल था, नई नई शादी थी, तो नई शादी का एक अलग ही वो जुनून होता है ना, तो तब नहीं समझते थे कि बच्चे हैं क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता था नया नया जब था। लेकिन अब उनको समझ आ गया है इन सारी बातों का कि बच्चे उनके हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको संभालना, ये सब करना। और बच्चे एक ऐसी चीज़ होते हैं ना कि अगर आप बच्चों के दिल में नफरत ना डालो ना, बच्चों के दिमाग में ऐसी कोई बात ना डालो, आपके पापा ऐसे आपकी मम्मी ऐसे, तो बच्चे ना कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होते। आप अपने बच्चों के दिल में बार बार मोहब्बत डालो अपने माँ बाप से रिलेटेड, आपके पापा आपके लिए कितना करते हैं, आपके पापा ये करते हैं वो करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू से अपने बच्चों को बोली। तो मेरे बच्चे अपने पापा को छोड़ते ही नहीं हैं और वो अपना प्यार खुद से बना लिए उन्होंने अपने पापा के साथ, तो वो हमेशा शुरू से ही अटैच रहे हैं। तो अब मेरे हस्बैंड को भी समझ आए कि मैं घर जाता हूँ तो पीछे इनको कौन देखेगा, ये सारी जिम्मेदारियां, बाकी उनको अपनी दूसरी वाइफ की जिम्मेदारी का सब पता है, उनका खर्च देना है, डेली उनसे फ़ोन पे बात करना है, उनको कोई भी मसला प्रॉब्लम कुछ भी मंगाना हो सब कुछ वहाँ पर उनका भी ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी उनकी वाइफ है, उनको पूरा हक है। हाँ दो शादियाँ हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है घर, मुझे लगता है हस्बैंड के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है दो घर को देखना अभी, और एक साथ सबको पता है हम नहीं रह सकते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा सच में, हकीकत है। एक दिन बर्दाश्त करेंगे, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक होता है, वो सब नहीं हो सकता। खैर मुझे इन बातों को बार बार डिस्कस नहीं करना, आप सबके सामने सारी बातें, और कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि क्या नए घर में वो आएगी,
देखो 16 सलूक से आएगी, 2-4 दिन आएगी, 5 दिन आएगी मिलने के लिए। हाँ कभी ना कभी, कभी ना कभी आगे फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन हम रहेंगे एक साथ कभी भी नहीं। वो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि हम साथ में रहें। हम हमारी किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाएगी, तो एक दूसरे के साथ हम वो ख़राब नहीं करना चाहते। मेरा भी दिल बर्दाश्त नहीं करता सच में। मैं सुबह सुबह उठ के नहीं देख सकती ये सब कुछ। मतलब वो अलग रूम में होते हैं, हम अलग रूम में होते हैं, और बच्चे भी डिस्टर्ब, माहौल घर का डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। तो सुकून चाहिए बस वही। यहाँ से जाएं, जहाँ पे भी जाएं घूमने फिरने के लिए, मेरे हस्बैंड को कभी भी रोक रुकावट नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा, तो आप जाओ। अब वो खुद समझें इस बात को। आपको पता है नई नई जब इनकी शादी हुई थी ना, शुरू में ये नहीं समझते थे कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ोगे। इनका स्कूल छूट गया था, इनके ट्यूशन छूट गए थे, घर पे बच्चे बैठ गए थे। बहुत प्रॉब्लम आई थी शुरू शुरू के टाइम पे, क्योंकि इनको उस टाइम पर नहीं था कि कौन जाए ना जाए। लेकिन अब उनको खुद को भी पता है। अब अगर मैं बोलती भी हूँ ना, अभी बीच में जैसे छुट्टियाँ आई थी 4 दिन की, तो कह रहे थे स्कूल में ना मैसेज आ रहा था कि मतलब आगे मजीद और भी शायद बढ़ा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बैग वैग सब बनाया हुआ था कि अगर 8 दिन छुट्टियां हैं ना, तो इन छुट्टियों में मैं होके आ जाता हूँ वहाँ से। तो उनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा पता है, वो उनको भी देख रहे हैं। और वहाँ पे जाएं, घूमें फिरें, जितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, अलग करें। लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ फ़ोन पे भी बात नहीं होती। मेरी और कौसर की कभी भी फ़ोन पे बात नहीं हुई, चाहे हम एक साल भी एक दूसरे को ना देखें, हम फ़ोन पे कभी नहीं बात करते। लेकिन जब मैं गाँव जाती हूँ तो वो मिलती है, मैं भी मिलती हूँ। बस इतना कुछ है हमारा, आपस में इतना होना चाहिए मेरा ख्याल। सुबह हमारे घर पर आने वाले मेरे ससुर गांव से, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। अल्लाह, लोग दुनिया में वही कहती हूँ कभी भी खुश नहीं होती। उससे रिलेटेड मैंने बहुत बार कहा है कि अब्बू यहाँ पर नहीं रहते, अब्बू को गांव पसंद है। हो सकता है अब यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन वो एक जगह पर ना रहते नहीं है। शुरू से वो अपने गाँव रहे ना, तो अब उनको कोशिश करते हैं हर तरह से कि वो रहें रहें रहें। लेकिन रहते हैं शुरू के दिनों में बहुत खुश रहते हैं, 8-10 दिन, इससे ज़्यादा फिर खुश नहीं रहते। फिर कहते हैं जल्दी मुझे वापस पहुँचाएं। तो ये सारी बातें थी, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं जाती हूँ, सोती हूँ, और फिर कल मिलूँगी। बाय बाय।